हेलो एंड वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे एचआईवी के ट्रांसमिशन के बारे में कि अगर एचआईवी पर्सन हमारे साथ हमारे घर में है तो उसकी और अपनी केयर हमें कैसे करनी है। इससे रिलेटेड आपने कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चंस भी किए हैं, तो उनमें से कुछ हमने क्वेश्चंस को पिक किया है जिसमें ही ऑलमोस्ट सारे कमेंट जितने आपने किए हैं उनके सबके आंसर इसमें इंक्लूडेड हो जाएंगे। कमेंट ऑप्शन में आपने और भी कमेंट किए हैं जो आई रिलेटेड भी हैं और पिंपल्स से रिलेटेड भी हैं, उनके रिप्लाई मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, तो कीप वॉचिंग। तो अभी हम बात करते हैं कि अगर एचआईवी के का पर्सन हमारे साथ हमारे घर में है, मान लीजिए वो कोई लेडी है और वो घर में काम कर रही है, सब्जी काट रही है या कोई और काम, तो फिर अगर उसको चोट लग जाती है या फिर सब्जी काटते समय हाथ कट जाता है और घर का ही दूसरा सदस्य अगर मदद करता है और खून उसके हाथ में भी लग जाता है, तो क्या उस सदस्य को भी एचआईवी हो सकता है? ये कन्फ्यूज़न लोगों में है, तो इसको क्लियर समझ लीजिए कि ऐसे इस तरीके से एकदम से वायरस ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपके हाथ ठीक हैं, आपको कोई चोट नहीं है, तो इस तरीके से वायरस ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल हमारी जो स्किन है इसमें कोई चोट नहीं है, कोई सूजन नहीं है, कोई लालपन नहीं है, और हमने अगर किसी एचआईवी पॉजिटिव पर्सन की मदद की है तो उसके बाद हमें अच्छे से रनिंग वाटर में अपने हाथ धो लेने हैं बस। और अगर इसमें दूसरा जो कंडीशन है वो ये है कि अगर आपके हाथ में भी चोट लगी है, आपके हाथ में भी कोई कट लग गया है, आपके भी ब्लीडिंग हो रही है, या फिर जो जैसे जो हमने बताया पर्सन जो एचआईवी पॉजिटिव है वो कहीं गिर गया है, उसको भी चोट लगी है, आपको भी चोट लगी है, दोनों को ही साथ में चोट लगी है, उस स्थिति में आप अगर एक दूसरे की मदद करते हैं और वहाँ पर अगर एक दूसरे का ब्लड एक दूसरे के हाथ में लगता है तो वहाँ पर चांसेस हैं। लेकिन जहाँ घर में हम बात कर रहे हैं कि घर में एक पर्सन को चोट लगी है या फिर उसने जो पॉजिटिव पर्सन है वो कोई काम कर रहा है उसके हाथ में कट लग गया और आपने वहाँ पर मदद की और आप हेल्दी हैं, आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है या हाथ में आपके कोई चोट नहीं है, कोई कट नहीं है, तो आप मदद कर सकते हैं और उसके बाद अपने हाथों को अच्छे से आप धोएंगे। तो ये तो एक्सेप्शनल केसेस ही होते हैं, ऐसे जानबूझकर तो नहीं होता है। तो ऐसे में अगर कभी ऐसा हो जाता है तो सबसे ध्यान देने की बात ये है कि जब कभी ऐसा होता है तो आप मदद करने के बाद तुरंत रनिंग वाटर में अपने हाथ साबुन से अच्छे से धो लेंगे, उसके बाद कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई चोट लगी हुई है, आपके कहीं कट है हाथ में, आपको आपके हाथ छिल गया है, तो ऐसे में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो ब्लड के पार्टिकल हैं दूसरे के जो ब्लड है वो उस जगह पर आपके नहीं लगना चाहिए जहाँ पर कि आपको सूजन है या कट है या कोई प्रॉब्लम है या फिर चोट है। तो इस तरीके से ब्लड का ट्रांसमिशन, जो ब्लड से एचआईवी का ट्रांसमिशन है, वो डायरेक्टली इस तरीके से नहीं हो सकता। वो तभी हो सकता है जब एक स्वस्थ व्यक्ति को कहीं चोट लगी है या फिर उसके कोई कट लगा है, तो वहाँ से फिर वायरस हमारी बॉडी के अंदर चला जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका, वो आता है कि अगर मैं एक बॉय हूँ, लड़का हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बॉडी को बिल्ड करूँ और मैं एक हेल्दी पर्सन आगे बनना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, बट मैं पॉजिटिव हूँ, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं आगे चल के अपनी लाइफ को नॉर्मल लोगों की तरह जी सकता हूँ या नहीं? तो इसका जवाब भी बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से आप हाँ में समझिए, बिल्कुल आप ऐसे कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि दिन में भूखे नहीं रहना है, और ये समस्या सभी के साथ है। मैं समझता हूँ जो लोग हेल्दी पर्सन है वो भी दिन में सुबह को हेल्दी ब्रेकफास्ट नहीं लेते, दोपहर का खाना इधर उधर गायब कर जाते हैं, कुछ बाहर का लेके खा लेते हैं, शाम का खाना घर पे खाते हैं। तो ऐसा आप ना करें। अगर आप एचआईवी पॉजिटिव हैं तो कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है कि आप आगे लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते या फिर आप बॉडी बिल्ड नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि सुबह अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट करिए, दोपहर में अच्छा लंच करिए और रात को भी अच्छे से डिनर करिए, लेकिन खाना स्किप मत करिए। अगर आपका जो एआरटी पर अगर आप हैं, मैंने इस क्वेश्चन में पूछा भी था, कुछ जगह मुझे रिप्लाई नहीं मिला CD4 के लिए, बट अगर आप एआरटी पर हैं तो एआरटी को छोड़ना नहीं है। एआरटी वो होती है, जो लोग नहीं जानते, एंटी रिट्रोवल थेरेपी। इसका मतलब ये होता है कि जो पॉजिटिव लोग होते हैं उनके लिए एक मेडिसिन होती है जो कि एआरटी सेंटर से मिलती है, और एआरटी सेंटर पर ये दी जाने वाली दवाई फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इनके सेटअप बनाए गए हैं। तो अगर कोई भी पॉजिटिव पर्सन है तो वो एआरटी सेंटर पर जा सकता है, वहाँ से
ART की जो टैबलेट्स मिलती है ART से वो ले सकता है और उसको रेगुलर बेसिस पे खा सकता है, उससे हेल्थ बहुत इम्प्रूव होती है और जो वायरल लोड होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो इससे आप अच्छे से अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, बट उसको छोड़ना नहीं है, उसको रेगुलर बेसिस पे खाना है, जो वहाँ काउंसलर हैं उनसे समय समय पे मिलते रहना है, अपने बारे में अपने CD4 काउंट के बारे में भी उनसे डिस्कस करना है, क्योंकि CD4 काउंट की भी जांच बीच बीच में होती रहती है जो फॉलो अप होते हैं उसमें। तो एक बार आप अपने CD4 काउंट के बारे में भी उनसे बात करें जाके वहाँ के काउंसलर से जो ART सेंटर पर रहते हैं कि आपका प्रेजेंट में कितना है और आप कितना अब इम्प्रूव करेंगे। तो आगे आपको CD4 काउंट को इम्प्रूव करना है। CD4 काउंट वो होता है जो ये बताता है कि आपका इम्यून सिस्टम कैसा है, यानी आपके अंदर प्रतिरोधक क्षमता कितनी है। तो ऐसा मत सोचिए कि आप पॉजिटिव हैं तो आपका इम्यून सिस्टम कम होगा। आप हैरान होंगे सुनकर कि जो लोग हेल्दी हैं जिन्हें कोई बीमारी नहीं है वो खाना ही नहीं खाते और उनका इम्यून सिस्टम HIV पॉजिटिव लोगों से भी कम हो जाता है। तो इसमें घबराने की ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप अपना CD4 काउंट पर नज़र रखिए, उसको चेक कराइए और वहाँ के काउंसलर से ज़रूर बात करिए कि अभी आपका CD4 काउंट कितना है और मैं कितना इम्प्रूव इसे कर सकता हूँ। ध्यान रखिए CD4 काउंट आपका आपकी डाइट के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, और अगर आपने खाना अच्छे से खाया, खाना स्किप नहीं किया, कोई भी काम दिन में आप कर रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं तो भूखे नहीं रहना है, आपको अच्छे से अपनी केयर करना है, अपना ध्यान रखना है, तो मैं समझता हूँ कि आपकी हेल्थ बिल्कुल नॉर्मल और बिल्कुल ऐसी रहेगी जैसे हमारी और दूसरों की होती है। दूसरा एक क्वेश्चन लास्ट में एक और है कि अगर कोई HIV पर्सन हमारे घर में है और वो कोई टूथपिक यूज़ करता है, और वो टूथपिक यूज़ करने के बाद अगर वो टूथपिक कोई छोटा बच्चा जो घर में होता है क्रॉलिंग कर रहा है वो लेकर अगर अपने मुंह में रख ले उसको, तो क्या ये ट्रांसमिशन एक से दूसरे व्यक्ति में जा सकता है? तो यहाँ पर इसको ऐसे समझेंगे कि जो टूथपिक यूज़ की गई है अगर उसमें ब्लड का कोई पार्टिकल लग गया है, यानी टूथपिक यूज़ करते समय वो टूथपिक मसूड़ों में लगी है इस तरीके से कि वहाँ ब्लड आ गया हो, तब चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर वो टूथपिक ऐसे यूज़ की गई है कि उसमें ब्लड नहीं है, तब हम एकदम से तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी एक HIV पॉजिटिव व्यक्ति के मुंह में अगर टूथपिक लगी है या फिर वो उसने यूज़ की है तो ऐसी स्थितियों से हमें बचना ही चाहिए। लेकिन ट्रांसमिशन की अगर बिल्कुल हम बात करें बिल्कुल एक्यूरेसी की, तो उसमें ट्रांसमिशन तभी पॉसिबल होता है जब उस टूथपिक में ब्लड के पार्टिकल होंगे, क्योंकि ब्लड के ही सेल में HIV होता है। तो अगर उनके गम्स में कोई प्रॉब्लम है या फिर ब्लीडिंग होती है या फिर टूथपिक यूज़ करते समय मान लीजिए अगर सेफली यूज़ हुई है, सिर्फ खाना उन्होंने निकाल दिया है ऐसे करके, तब तो ठीक है, लेकिन अगर उसमें कोई ब्लड का पार्टिकल लगा है तो वो ठीक स्थिति नहीं है। इसी तरीके से जहाँ पर हम यंग लोगों की बात करते हैं तो उसमें क्वेश्चन रहता है स्मूचिंग का या फिर किस का। तो जहाँ पर नॉर्मल अगर किस कर रहे हैं, लिप किस कर रहे हैं, तो वो दैट इज़ ओके, इसमें भी क्वेश्चन मेरे पास आया था। लेकिन अगर स्मूचिंग की बात करते हैं, उस इतनी डीप किस हो रही है कि जिसमें हमारा सलाइवा एक से दूसरे के मुँह में चला जाता है, तो उसमें प्रॉब्लम तब हो सकती है जब HIV अगर दूसरा पर्सन HIV पॉजिटिव है और उसके मुंह में गम्स में उसके गम्स की प्रॉब्लम है उसको, या फिर उसके पायरिया की दिक्कत है, या फिर कहीं से ब्लीडिंग हो रही है थोड़ी सी, तो ऐसे में जो है वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन अगर पर्सन को गम्स की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी डेंटल प्रॉब्लम नहीं है, तब आप नॉर्मल जो किस होती है उसे कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर कोई प्रॉब्लम है दूसरे को या आपको नहीं पता है, तो फिर इस तरीके से हमें इस सिचुएशन से बचना ही चाहिए, जिससे कि हम भी सेफ रहें और हम उन रिलेशनशिप को भी ख़राब ना करें। तो ये 3 क्वेश्चंस थे जिन पर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे व्यूअर्स के, और इससे रिलेटेड दूसरे इश्यूज़ भी हैं। अगर दूसरे इश्यूज़ भी हैं आपके, तो आप उन्हें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। साथ ही साथ मैं यहाँ पर एक बात और भी ऐड करना चाहूँगा कि जब आप ये वीडियोस देखते हैं तो इसका फीडबैक हमें ज़रूर दें। इसके 2 तरीके हैं, एक तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दूसरा कमेंट कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं, आपको ये अच्छे लगते हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।